ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟੱਗਿਆ ਗੋਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਲਗੇ ਗੁੱਡੀ अरे झूले बाद में कर लिए तू रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा एक मिनट तो ये सब तबला आप सब राम राम आई होप आप सब ठीक हो गए हम ठीक ठाक भाई और सुबह के 8 बज गए हैं और आज हम निकलेंगे काजा तो वापस जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहाँ तक और चाय वगैरह हमने पी ली है और नाश्ता लग रहे हैं गुरु जी अपने ये आमलेट उमलेट खाना आ रहे हैं और रात में बहुत दुखी हो रहे हैं आज क्योंकि टेम्परेचर था -20-22 तो ऊपर था 25 के आसपास होगा और ठंड में मर गए बिल्कुल मैं गुरु जी तो बहुत दुखी हो गए रात में 12:30 बजे के आसपास तो मैं मैसेज हुआ था और रात में बार आँख उखड़ने लग रही थी तो नींद ढंग तो आई नहीं आपने किसी नींद आई बहुत बढ़िया मजा आ गया ये झटके लगे भाई अंगीठी के जी सारे सोए हैं युवराज और भाई साहब इनकी थी फुल मौज और मैं और गुरु जी हम दोनों दुखी हुए हैं बस तीन हाँ एक योग था मरी गला मतलब तीसरा नाम नहीं लेते यार योग को कोड़ी में था यार तुमने गलती करी तब तीनों एक बेड पे सो जाते ना गुरु जी लेट गए पहले ही मजा आया गुरु जी रात में नहीं आया उगड़ हो कपड़े हैं साबित रात है तो भाई ये होता आज हो गया बहुत दुखी पर और सारी चीज ठीक थी नाश्ता दिखा दो हाँ और नाश्ता अपना बन लगा ऑमलेट उमलेट तैयार हो गया सारी गुरु जी चाय वगैरह ले ली अपनी ऑमलेट बनाने लग रही है वो प्रेम ठुसन लग रहा है हाँ वो भूख वो तो चिकन ले रहा है वो फुल भाई जी, आज हमने खाया भैया ने खिला दिया सुबह सुबह थूप और चिकन गर्मी आ गई शरीर में फुल अब जाएंगे तैयार होंगे और बाइक स्टार्ट करके सूट देश ने तो वैसे सूट देश तो ये बारी है अपनी अब खा लिया और फिर निकला है बस तो चलो एक बार खाते आपको बार का पियो कैसा क्या नहीं सब कुछ फ्रीज है और सूरज जो है हल्का हल्का दिख रहा है तो ये भाई व्यू यहाँ का वो सामने सूरज वो पता नहीं निकला नहीं और सब बता रहे मौसम खराब है स्नोफॉल हो सकती है रात को तो हुई नहीं पर बता रहे हो सकती है सब कुछ वाइट वाइट दिख रहा कुछ दिख ही नहीं रहा कुछ वो है कुछ और कुछ तो ये सीन यहाँ का भी तो अभी आगे चलते हैं एक बार थोड़ी वैसे मैं जूते तो दूसरे पहन गया हूँ भाई बाहर के पीछे से ऐसे ही हैं तो ज़्यादा अंदर तो जाऊँगा नहीं यहाँ से देख लो एक बार थोड़ी आगे चलता हूँ जहाँ तक ये पैर के निशान है वहाँ तक चलेंगे ये बर्फ पूरी यार पूरी जमी पड़ी है फोली हाँ कहीं पे हाँ है पर ये ना जहाँ से रास्ता बना है ये तो पूरी जमी हुई है और ये आगे थी ना स्नो के सामने अपना कलर दिख ना अगर फोटोग्राफी कर रहे हैं ना यहाँ पे फोटो वगैरह ले रहे हैं वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो बिल्कुल ब्लैक दिख रहा क्योंकि पीछे का जो बैकग्राउंड इतना वाइट हो रहा है ना स्नो में हम तो दिख ही नहीं रहे ये सीन है और ठंड काफ़ी ज़्यादा -25 के आसपास टेम्परेचर था रात को क्योंकि 18-20 का टेम्परेचर तो तब था जब हम शाम को 8-9 बजे जब हम खाना खा रहे थे तो उस टाइम का टेम्परेचर था ये तो एक बार आगे चलते हैं यहाँ से भैया हाँ ये पीछे पूरा ग्राउंड है प्लेन ग्राउंड है पूरा स्नो से कवर्ड है तो ये यहाँ सीन दिखाई तो कुछ दे ही नहीं गया यार तो हमारे हालात आपने देख लिए जो थे रात के और व्यू भी आपको दिखा दिया था ये है चारों साइड का व्यू बर्फ ही बर्फ है सारी कहीं से देख लो बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिख रहा सामने भी कोरा कोरा बादल जो भी है और सूरज कितने 2 घंटे सारे हो लिए वो गाँव यहाँ दिख नहीं रहा कुछ भी अरे देखो बाइकों के हालात जब मेरे पड़े हैं सारे ही सारे टायर भी जाना है ओ ना गुरुजी वाला भी ठीक है हो गया तो चालू है हाँ ये करे गुरुजी ने तो ना कोई अच्छी अपन चाहिएगा ये देखो मेरी वाली बाइक का जाम पूरा अंदर सब कुछ जाम है ये देख लो यहाँ पे पीछे टायर रोक के पीछे कोई दिख नहीं ये देख कितनी कितनी बर्फ जम रही है टायर के ऊपर पूरी बर्फ जम रही है बहुत बुरा हाल हो रखा है
और गियर लीवर कर वाली दिक्कत फिर यो वही है कल वाला काम है। एक गियर लगेगा दूसरा गियर नहीं लगना इसमें तो एक बार अब तो टायर के झटके वगैरह मार के टायर न खोल लेंगे पहला दाबे रहा उसका गुरुजी का भी सेट है। सारी बाइक जो आराम से स्टार्ट होगी, अपनी में थोड़ी दिक्कत आई थी पर वो भी फाइनली स्टार्ट होगी। ये बेसिक्स में भाई यही दिक्कत है यार, चोक वाली जो पहले कार्बोरेटर वाली इंजन था जो चोक वगैरह लगा के हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक्स में ये होंगी तो फर्स्ट सेल्फ में हो जाएंगी, नहीं तो भाई कई कई सेल्फ मारनी पड़ जाए तब जाके होती है, और ना भी हो कोई गारंटी नहीं होती इसकी। ये सेंसर वगैरह का ना सिस्टम ये सब दे रखे हैं। अब ये देखें ये राइडर हैं जो, इनकी होगी कि ना होगी, ये तो अपनी देखिए मार सेल्फ अभी नहीं मारता इस गल भी दिक्कत बड़ा ना ही हो। और वो तो ओके सेट है सारा, पीछे हमने आपको तो दिखाई दिया था पूरा सब कुछ, टायर जाम हो रहा है, टायर तो सब कुछ सेट कर लिया, वैसे लीवर लीवर तो वो जाम है यार, कोई दिक्कत बड़ा ना ही है। और रिफ्यूल करवाऊंगे यहाँ पर पीछे है, थोड़ा ऊपर जागे यहाँ पर यहाँ ऊपर जाओ और आगे जागे वो है पेट्रोल पम्प, वहाँ पर फ्यूल कराएंगे। तो काजा पेट्रोल पम्प है आपके, काजा से 200 किलोमीटर पहले जो हमने कहाँ थे पिलो से पहले 30 किलोमीटर पहले वहाँ पे था पेट्रोल पम्प, जो मैंने आपको दिखा था वीडियो में, उसके बाद से डाकू कर्जा मिलेगा कहीं पर नहीं मिलेगा। तो अपना फ्यूल वहाँ पर फुल कराओ, टैंक फुल करा के आओ, या तक आराम से पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके पास कौन सी बाइक है और आने के बाद आपने वहाँ मिल जाएगा। तो चलो एक जंगड़ा बाइक की बाइक है उधर, वो रात ने नीचे उतार दी थी, मना भी करी थी पर यार मानने नहीं की। तो बाइक तो नीचे धक्का मार कर लानी पड़ी यार, फिल्टर पार्ट है उसमें भी। आ गया आ गया, चलो एक धक्का मरवा लिया यार भाई है ठीक ठीक। अरे गुरुजी गुरुजी हेलो, ओ भाई मेरी बाइक ना बंद करिए वो स्टार्ट भाई, देखते हैं भाई स्टार्ट होगी नहीं होगी। अभी पहले सबसे पहले मारते हैं किक, तो अभी आगे स्प्लेंडर की बारी या चालू होगी ना होगी देखेंगे। किक वगैरह मारेंगे, गियर लीवर इसका भी जाम है, टायर तो जाम नहीं इसका, बनेगी बनेगी बात हाँ लगा लो। ये देखो इतनी स्नो है और ऊपर तक रिपते रिपते चढ़ानी है, अगर सारी बाइक उतार देते रात ने तो भाई साहब या डेर रुकना पड़ता दो चार हफ्ते। तो बाइक तो होगी स्टार्ट, इसका धक्का लगाओगे और ऊपर चढ़ाओगे, हल्के हल्के स्नोफॉल स्टार्ट होगी, दिखाई तो आपको दे नहीं होगी, हल्के हल्के पतंगे से पतंगे स्टार्ट होगी। और हो सकता है कि ज़्यादा भी हो जाए, आगे हमें कितनी मिले पता नहीं है कुछ भी। तो तैयारी तो है बाइक 1.4 ही, जो टायर वगैरह ब्रेक वगैरह जमे हुए उनको ओके कर रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ चलेंगे फ्यूल भरवाओगे और फिर निकलेंगे यहाँ पे। स्नोफॉल जो है तेजी पकड़ रही है, थोड़ी थोड़ी तेज होने लग गई है। चल चल यार के पेट्रोल पंप ठीक है बता रहे, आई लव स्पीड का ये
बोर्ड बना हुआ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है, मैं फोटो दे दूँगा। और ये रहा पेट्रोल पम्प, और फ्यूल करवा लेते हैं। स्नो यार आँखों में लग रही है, हेलमेट और जब शीशा उतारने के बाद मिरर लगा रहे हैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हटा रहे हैं तो आँखों में लग रही है। स्नोफॉल अपनी रफ्तार पकड़ रही है बहुत तेजी से, और इसी के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं, क्या पता रास्ते में कहीं पर रुकना ही पड़ जाए। और फ्यूल अभी तक डला नहीं है बाइक में, ये खड़ी बाइक के साथ में बैठे हैं। यार पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, गोगो में कुछ दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन में, स्क्रीन बिल्कुल ब्लैक पड़ी है और स्नोफॉल हो रही है। शायद आगे स्नोफॉल हमें ना मिले क्योंकि अभी हल्की हल्की कम हो रही है, क्योंकि पीछे जब हम काजा में पेट्रोल फिल करवा रहे थे तो उस टाइम पे स्नोफॉल ज़्यादा थी, और जैसे ही काजा से निकले 1 किलोमीटर तो स्नोफॉल थोड़ी कम हो गई है, तो हो सकता है कि आगे ना मिले। और पता नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है और कहाँ पर जाए, क्योंकि गोप्रो की बैटरी भी कई बार निकाल ली हमने और काम नहीं कर रही किसी के भी। यार सोनू की बाइक का यार स्लिप हो गई यहाँ पर, और अभी उठा रहा है यहाँ पर, स्नो बहुत ज़्यादा है क्योंकि नीचे की जो ब्लैक आइस थी उसके ऊपर ऊपर से स्नो गिर रही है। चालू हो गया आपका? चालू है वो ना, नहीं हो रहा है वो। तो यार बहुत देर के बाद आ गया, गोप्रो ऑन हुआ है, काम नहीं कर रहा था कुछ भी, और स्नो फॉल है दिख रही है आपको, क्या हाल है। तो स्नो फॉल हो रही है हल्की हल्की, ज़्यादा तो नहीं है पर फिर भी ये गाजा से 2-3 किलोमीटर हम आगे आ गए, और यहाँ पे रुकी एक बार 5-7 मिनट। क्या करवा दिया ये? तो इधर एक बार रेस्ट करके और फिर चलेंगे रास्ते की, यार कुछ भी वीडियो नहीं बनी। तो ये है नज़ारा स्नो फॉल का, अगर आपको दिख रही हो तो हल्के हल्के हैं, पतंगे से आ रहे हैं, आई होप दिख रही हो आपको, काफ़ी अच्छा देखने में तो काफ़ी अच्छा है, पर भाई प्रैक्टिकली फिल्टर पैड होता है और रेल केबल वगैरह होते सब कुछ पहन लिए अपने, फुल सेट है सब कुछ। अगर नहीं दिख रही तो ये देखो, ये स्नो फॉल देखिए अब दिखेगी, ये थी रेस्ट, यही सारा रेस्ट है, 5-7 मिनट चला गया। स्नोफॉल तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, आँखों में अगर मिरर बंद कर रहा हूँ हेलमेट का तो भाई वैसे कुछ नहीं दिख रहा। ओहो गाड़ी वाले जा, तू जा पहले जा दे तो। तेरी इतना धुआं, स्नोफॉल का सब कुछ धुंध ही धुंध, पहाड़ भी नहीं दिख रहे क्योंकि इतनी धुंध है, स्नोफॉल गिर रही है ना तो उसकी वजह धुंध भी हो रही है थोड़ी, और ऊपर देखा भी नहीं जा रहा यार, आँखों में आ रही है, और नीचे तो सब कुछ जमा है ही, सब कुछ जाम है सब कुछ, ये पीछे से कहीं से देख लो सब कुछ जाम पड़ा है। अरे जा भाई जा, ये ऐसी नज़ारा अभी का, ताज़ी स्नो पर अब हल्की हल्की कम हो रही है, सूरज तो निकला हुआ पर वही भाई धुंध में, और धुंध ही है, बादल तो कहाँ होंगे इस टाइम पे, इतनी ऊपर धुंध इतनी है, स्नोफॉल गिर रही है तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा सूरज को, हल्की हल्की पर ये है कि 12:17 हुई है, हो सकता है कि 2-3 बजे तक थोड़ी थोड़ी
धूप निकल जाए और ये जो स्नोफॉल है वो भी रुक जाए। अगर नहीं रुकी तो कहाँ जाने, तो शाम तक गिरे नहीं अच्छे वाली, क्योंकि वहाँ तो काफ़ी जिस टाइम भी हम निकले काफ़ी तेज़ स्नोफॉल होगी थी। और यहाँ पे अभी डाउन आ रही है, जैसे जैसे आगे आ रहे ना थोड़ी थोड़ी डाउन आ रही है, और पीछे रह गए सारे अपने साथी राइडर्स पीछे हैं। अगर आप चढ़ाई पे अगर बाइक रोक देते हो ना तो ये होता आपके साथ उत्तरी। ओ भाई साहब रिपोर्ट किया था मैं, रुक जा मेरा भी यही हाल है। हाँ हाँ भाई साहब जूते रिपते हैं, ये देखो जी KTM का टायर और रेडर का टायर खड़े खड़े घूम रहे भाई साहब। एक मिनट चलो आराम आराम से, ज़्यादा रेस नहीं खींच दे, अब KTM की बारी चलो। ओहो अच्छा मेरे पैर भी स्लिप हो रहे हैं। सोनू भैया फिर बढ़ गए वाइट स्पीति, उठाओ उठाओ भाई उठाओ। हाफ क्लिच नहीं, हाफ क्लिच नहीं, हाफ क्लच नहीं, हाफ क्लच नहीं लेना। एक मिनट रुक जाए यार। आपके ऊपर इल्जाम लगेंगे, इल्जाम क्या करवा के बांधोगे प्रभु भाई, सब गए अंदर, ये खुड़क थी। एक दो तीन और जी ठीक हो? अरे झूले बाद में कर लिए तू, ये कर रहा था झूले ना सोनू भाई का मन कर रहा घर जाने का ना इसका युवराज का। ये देखो बाइक जो है ना बार बार काजा की तरफ घूम रही है, ये धनकड़ है ना, ये धनकड़ है ना। कंटेंट का बुड्ढे हाँ, कंटेंट के चक्कर में खड़े हाँ। तो जी आज का सीन है ये कि सुबह से तो जी आज का सीन ये है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से काजा था 790 किलोमीटर, और फिलहाल हमने टोटल कवर कर लिए हैं 802 किलोमीटर, और आज कोशिश कर रहे हैं कि हम पहुँच जाएँ स्पेलो जहाँ पे हम रुके थे पिछली वीडियो में, इससे काजा आने से पहले जहाँ पर रुके थे ना, कोशिश करेंगे वहाँ पर पहुँच जाएँ, जो स्नो के पैचेज हैं वो कवर हो जाए, जो मोटे मोटे पहचान है ये डेंजरस है थोड़े भाई, ये कवर हो जाए, कोशिश है ये, पर लगता नहीं कि हम पहुंच पाए क्योंकि भाई बहुत दूर है वो। और लगता तो ये है 12:30 हुए हैं, ताबो से तो आगे निकल जाएंगे, ताबो तक तो आराम से पहुंच जाएंगे, ताबो से और काजा जो है 40 किलोमीटर था तो वो तो आराम से कवर हो जाएगा, और ताबो से थोड़ा आगे निकल जाएंगे। और सुबह से जो सोनू भाई वो गिर चुका है, आज रिकॉर्ड ये है कि आज बबलू भाई नहीं गिरे एक बार भी, पर जब हम काजा आए थे तो आते टाइम भाई साहब इतनी बार गिर गए, कसर नहीं छोटी दोबारा किसी चीज़ की दोबारा गिरने में, आते टाइम कम से कम भी 10 बार गिरे हैं वो, पर इतनी रिकॉर्डिंग नहीं है हमारे पास, 2-3 बार ही गिरे थे उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और अगर वीडियो अभी तक आपको अच्छी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है, ये जो सीरीज़ आपने अभी तक देखी, अगर नहीं देखी है तो यार जाके चेकआउट करो सीरीज़, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं यार, विंटर में स्पीति कोई बच्चों का खेल थोड़ी है, एक बार जाके चेकआउट करो ज़रूर से। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक कर दियो यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, देखो एक बार
देखते हैं स्नोफॉल और ये कितनी स्नो है बाइक 20 की स्पीड भी चला रहे हैं तब भी इतना डर लग रहा है यार कहीं कितना हो जाए बाइक, क्योंकि भाई नीचे जो ब्लैक आइस जमी है ऊपर से स्नोफॉल अभी ताज़ी ताज़ी हो रही है और पीछे कल वाली वीडियो तो भाई साहब आतंक बचा रखा है उसने, तो जो चीज़ें हमने कारनामे हमने करे हैं ना उस वीडियो में शायद ही वैसे लगता नहीं किसी ने करा हुआ, शायद ही किसी ने ऐसे पागलपंथी करी होगी, पूरी बाइक के यार नदी के अंदर डाल दी, स्नो के अंदर बर्नआउट वगैरह यार, जगह चेकआउट करो मज़ा आएगा आपको, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अभी चलते हैं आगे, कुछ व्यूज़ तो आपने देख लिए होंगे नहीं तो आप देख लो इन्जॉय कर लो सारा यार, धूप सूरज निकला हुआ है पर वो बात नहीं है तो पर हल्की हल्की जो आइस है वो पिघलने स्टार्ट हो गई है, ये भी भाई इतनी जो सूरज की किरण है ना ये भी पिघला रही है कई जगह पे, तो आपको दिखेगा कि रोड से ना भाप निकल रही है, वो वेपराइजेशन जो प्रोसेस होती है ना वो है पिघल रही है। ओए हे गुरु जी गिरेंगे के, बच गए। वैसा बाइक तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो रही है और जहाँ पे हम कल रुके थे ना काजा और जहाँ भी रुकते हैं हम तो जिसको पता चलता भाई कहाँ जा रहे हैं इतनी बर्फ में ये वो है तो बोल ये बोल रहे कि क्या मरने आए गए यहाँ पे इतनी दूर भाई साहब, क्योंकि उनको पता है कि कितना डेंजर है कितना रिस्क है यहाँ पे लाइफ का है, क्योंकि एक बार थोड़ी भी बाइक स्किट होगी ना सीधा नीचे और आप ऊपर, तो भाई फिर भी रिस्क लेके हम यहाँ तक आए हैं एडवेंचर करने क्योंकि हमें तो करना था। भाई 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 गुरु जी गिरवाओगे अभी गिरते गिरते बचा यार, तो ये गुरुजी की स्किट करी थी उसके चक्कर में मैंने हल्के से ब्रेक अप्लाई करे और वही दिक्कत कर गए। चलो 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 एक बार स्नो में अगर ये होगी ना बाइक रुकने लगी तो वैसा दिक्कत हो जाती है। तो भाई साहब गुरुजी की लगी गुड्डी गुरुजी की बाइक स्किट कर गई है यहाँ पे, अरे तेल निकला फटाफट तेल लग गया, चलो 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 उस पर मैं गियर में लगे हाँ परे ना के स्टैंड लगाइए रुक जाओ पहले क्लच बिछड़ दो उगड़े रहो हाँ पकड़ रहा हूँ मैं क्लच लगा दिया छोड़ दो हाँ। दो तो यार पीछे वो एक बाइक और गिर गई बनी कपिल बाइक गिर गए हाँ। क्या करो हो क्या हो गया अरे कुछ ना हो सारे तारा में मडगार्ड ना टूट जाए मेरा टूट लिया थोड़ा तड़िए पेश कुछ मार मार ठोक मारू था बनेगी थोड़ी ही ब्रेक तो लगती थी तो भाई दो एक्सीडेंट हो गया गुरु जी भी पड़ लिए और कपिल भाई भी गधाका उठे एकदम कसूता और पड़े पड़े होने मजा है ना भाई नीचे लकड़ दे होने मजा है रिकॉर्ड करो तो पर चो बढ़िया बात है भाई चोट जाट नहीं लगी कोई से कभी दोनों ठीक ठाक है गुरु जी क्या फील कर रहे हो इस टाइम पे भाई यो फील कर रहे हम गुड विलेज गुड विलेज पिन वैली हाँ जो ये तो है वो अरे ये जी पिन वैली का रास्ता और यहाँ पे कोई जा नहीं रहा स्नो ऐसे कैसे बुरा हाल है भाई जो भी पहला आदमी जाएगा वही यहीं से जाएगा स्किट करता करता चलो रिकॉर्ड बना मानोगे आज तक रिकॉर्ड बनाओगे आज तक पड़ेगा हाँ और लेमंड वो हो वो एक और ना ना
मुद्दे बड़ा अड़ जाती है। बाज की ना पैर अड़क दी लागे स्वादा रहा है स्वादा रहा है क्या पढ़ लिया ये मजे है फिर होगा तो भाई साहब अब है चलने की तैयारी। गुरुजी तो निकल गए और हम भी निकलते हैं, बाइक स्टार्ट कर लिए और यहाँ पे भाई काफ़ी फन किया, रील्स वगैरह बनाई, फोटो वगैरह और बहुत गजब की रील बनाई है। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, यहाँ पे आपको आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। और रील्स जो है ना बहुत गजब किया, ज़रूर देखिए जाकर। और अब चला है आगे, स्नोफॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, हल्का हल्का, दिक्कत कुछ नहीं है इसमें, अगर ज़्यादा होगी तो दिक्कत हो जाएगी इतना। ओके रिपोर्ट, तो चलो अब आगे मिलते हैं। तो जी अपना भी टिक गया गोडा, बाइक गिर गई, बंद कर देता हूँ। तो अपनी तो पहली बार गिरी है, ये आगे कंटेंट के भूखे। ये देखो जी आशीष भाई गिर गए पहली बार शायद। क्या बात है जी, पहली बार कैसे हो गया ये? अच्छा कौन दुखी हो रहा है यो? चलो कैसे उठाए इसको, पकड़ दिन का तो हटा है। एक मिनट, हाँ तो जी आखिरकार हम भी गिर गए, यही कसर रह थी मैं बच रहा था। वैसे पहले गिर गए थे हमें वहाँ पे, जब नदी में स्टंट कर रहे थे तो मैं और जंगड़ा भाई दोनों गिर गए थे। तो सात बंदों में से कोई भी ऐसा नहीं बचा जो कि गिरा ना हो, बस ये कसर है कि जो अजय भाई अपने जंगड़ा राइडर वो स्नोफॉल में नहीं गिरे, और ना स्नोफॉल में मतलब आइस के ऊपर, सब गिर गए और मैं जंगड़ा भाई बच रहे थे। तो फिलहाल हम भी गिर चुके हैं, तो रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं जाते जाते गिरने का, कौन कितनी बार गिरा, कौन सबसे ज़्यादा बार गिरेगा। तो वही पहाड़ों में तो यही है, स्नो के अंदर जाओगे तो गिरो उठो फिर गिरो फिर उठो, यही है भाई, ऐसे ही चलता रहता है। तो अपने सेफ्टी गियर वगैरह पहन के चलो, कोई भरोसा नहीं, इतनी हम इतनी सेफली चला रहे हैं बाइक को फिर भी गिर रहे हैं, क्योंकि है ना ब्लैक आइस इतनी है, पता नहीं लगा ऊपर से ये जो स्नोफॉल रखी ना इसमें पता नहीं कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, और थोड़ी सी भी वो है ना बाइक का टायर जो है उस पे चढ़ जाता ना तो भी गिर जाती भाई। यो देख लो स्पीड मारो लग रहे हम कज़ा, क्या नाम है वो ताबो, अभी 20-22 किलोमीटर बचा हुआ है और 40 किलोमीटर था काजा, और पौने दो का टाइम हो गया सुबह से, हम मेरे हिसाब से 10-10:30 बजे चले थे वहाँ पर, 10 बजे ही चल पड़े थे हम, और 2:15 हैं और अभी तक हमने यही 22-23 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया वहाँ से। तो आप रास्ता देख लो इस स्पीड में चल रहे हैं पूरे रास्ते, 14 की स्पीड, 20 की स्पीड है ना हाइएस्ट है, इससे ऊपर तो जा ही नहीं थी। ये रास्ता आप देख लो सामने कितनी कितनी बर्फ से भी ब्लैक आइस है। तो ये है भाई स्पीति के नज़ारे, गिरते पड़ते चल रहे हैं अपने। रुक जा एक मिनट,
हाँ सर आगे कर लो आप थोड़ा। अरे नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं भाई जी। सोनू भैया क्या कर रहे हो आप हैं? वो कितनी बार गिरोगे भैया? है ना मेरा गोला लूज हो गया है। वो गाड़ी चला रहा हूं आगे वाला पहिया है ना। हां हैंडल मेरा लूज हो गया थोड़ा सा ऐसा लग रहा। तो हल्की सी बात है। हां चल सर पीछे मत लियो भाई के मेरे पीछे। अरे पीछे रखना चढ़ेगा बहुत मंदा। एक तो लद्दाख और एक स्पीति और दोनों विंटर में। स्पीति तो हमने विंटर में कर लिया अब बारी है लद्दाख की। और भाई लद्दाख विंटर में करना इम्पॉसिबल तो नहीं है पर वहाँ पर जो टेम्परेचर है ना यहाँ से डबल है। और वहाँ के जो पैसेज है ना बहुत लंबे लंबे हैं 200-200, 300-300 किलोमीटर तक आपको कोई नहीं मिलेगा। देखेंगे आगे लद्दाख भी। लद्दाख जाऊँगा ज़रूर चाहे समर में जाऊँ या विंटर में पर लद्दाख जाऊँगा ज़रूर। जनवरी के टाइम पे ना स्पीति में आना अपने आप में ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। बहुत बड़ा और बहुत रिस्की भी है। वैसे एक बार हमने प्लान बना था कि ऊपर ना एक चले जहाँ पे ना वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस वहाँ जाने की हमने सोची थी। तो ये है भाई देख लो एक सेकंड का भरोसा नहीं है यहाँ पर कब बाइक स्किप कर दे और कब आप नीचे। तो मैं क्या बता रहा हाँ तो वहाँ पे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है हिकिम में वहाँ जाने का हमने प्लान बनाया था कल रात को कि आज वहाँ पे चलेंगे और फिर वहाँ से वापस करेंगे रिटर्न अपने घर के लिए। पर यार युवराज की तबीयत ना कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो इस वजह से हमने डिसाइड किया कि यहाँ यहीं से रुक के सुबह वापस चलेंगे। क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कल उसका हाथ भी जल गया था तो इतनी हिम्मत उसकी थी नहीं कि वो बाइक चला ले। और ऊपर जाने के बाद भाई और हालत ख़राब होने की थोड़ा घबरा गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम था उसका भी था तो हमारा ही फर्स्ट टाइम। आ जाओ ना गुरु जी पकड़ लिए हो। एक ग्रुप और है दिल्ली के है भाई और ये भी काजा जा रहे हैं शायद काजा ही जा रहे हैं आगे तो काजा ही। चलो भाई राम राम क्या हाल है? बढ़िया भाई आपको देख के बहुत अच्छा लगा भाई। रामपुर से यहाँ तक एक बाइक नजर नहीं आई हमें भाई। अपना भी पहला ग्रुप है बाइक का। हम अकेले चल रहे हैं। हम अकेले चल रहे हैं अकेले चल रहे हैं। अपना ही पहला ग्रुप है बाइक का जो काजा तक गया ना। इससे पहले कोई जनवरी में जब से स्नोफॉल हुई ना उसके बाद से कोई नहीं गया। एक आधा बाइकर जो है वो गया है। ग्रुप हमारा पहला था। चैनल ऐप का हां मेरा एपिक ट्रैवल टेल्स नाम है चैनल का। मेरा नोमैड आशी के नाम से है भाई। मैं दिल्ली से हूं। चलो बढ़िया भाई। मैं बहुत बढ़िया लगा आपको देख के।